खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां जखनिया कोतवाली भुरकुरा परिसर में पीस कमेटी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार ने बैठक में उपस्थित सभी लोगों से आगामी त्योहारों को आपसी भाईचारे के साथ मिलकर मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगे पड़ने वाले त्योहारों में धनतेरस, दीपावली एवं डाला छठ का त्योहार है, जिसमें सभी लोग शांतिपूर्ण ढंग से त्योहारों को मनाए एवं पटाखों से दूर रहे, क्योंकि पटाखों से ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ता है, जिससे स्वयं दूर रहकर बच्चों को भी दूर रखें। साथ ही घर से निकलते वक्त मास्क लगाना न भूलें, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए एहतियात बरतने की जरूरत है। साथ ही धनतेरस और स्वर्णकार बंधुओं से कहा कि उन्हें अगर कोई दिक्कत हो तो वह अपनी समस्याओं को स्पष्ट रूप से बताएं। बैठक में प्रमुख रूप से कमला पांडे, ब्रिज अभिलाष पांडे, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, मार्कंडे गिरी, राजेश यादव, दयाशंकर त्रिपाठी, कैलाश यादव, श्याम देव यादव, प्रमोद वर्मा, कैलाश वर्मा, कन्हैया वर्मा सहित लोग उपस्थित रहे। वहीं दुल्लापुर थाना परिसर में सराफा व्यापारियों और धर्मगुरुओं के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें व्यापारियों की सुरक्षा, आने वाली पर्वों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। थाना अध्यक्ष ने बताया कि किसी व्यापारी को किसी अराजक तत्वों या संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो तत्काल सूचित करें, शासन की गाइडलाइन के दिशा निर्देश का पालन करते हुए पर्व मनाया जाए। इस मौके पर उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश मघेसिया, सर्राफा व्यापार अध्यक्ष अशोक वर्मा, सुरेश साहू, श्यामलाल यादव, लव वर्मा, पंकज वर्मा, शिवचंद सेठ, रवि वर्मा, संतोष वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। गाजीपुर जनपद से कमलेश यादव की रिपोर्ट।